तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। और बीते कुछ दिनों में जिन देशों ने भारत की बुराई की है और भारत के खाद्यान्नों को ठुकराया था, उनसे अब चुन चुन कर बदला लेने का समय आ चुका है। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हो कि गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर दुनिया भर में कितने देशों ने भारत की बदनामी करने की कोशिश की थी। पर मैंने आपको उसी वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारत तो गेहूं एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया के 10 टॉप देशों के अंदर भी नहीं आता है, परंतु एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अकेले भारत का राज चलता है और भारत ही अकेला पूरी दुनिया के 150 देशों में अपने माल को बेचा करता है। और दोस्तों, वह समय अब आ चुका है जब भारत पूरी दुनिया को पेट भर के खाना खिलाएगा और जिन देशों ने भारत के अन्न को ठुकराया था, उनको एक दाना नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के चावल के एक्सपोर्ट के बारे में। और स्क्रीन पर आप सभी के स्क्रीन शॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि अब भारत का जो चावल का एक्सपोर्ट है वो एकदम से बढ़ने वाला है। दरअसल अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 5,43,00,000 टन चावल की आवश्यकता पड़ती है और इस चावल में से 2,20,00,000 टन जो चावल है वो भारत पूरी दुनिया के अंदर बांटता है और 150 देशों के अंदर भारत का चावल बेचा जाता है। यानी जो दुनिया की आवश्यकता है उसमें से 41% का जो चावल है उसको भारत के अंदर उगाकर पूरी दुनिया को भरपेट खाना खिलाया जाता है। अब दोस्तों, कुछ देशों ने भारत के अन्न को ठुकराया था और भारत की बेइज्जती करने की भी कोशिश करी थी और आज जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है वो सभी को चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत के बाद में चीन और वियतनाम, साथ में थाईलैंड जैसे देश जो कि चावल का उत्पादन करते हैं, उनके यहाँ पर चावल का जो उत्पादन है वो अचानक से नीचे गिर चुका है और अब जो पूरी दुनिया है वो भारत के चावल पर ही डिपेंड हो चुकी है। साथ में भारत का जो चावल का उत्पादन है वो भी 129 मिलियन मेट्रिक टन हो चुका है, यानी लगभग 12,90,00,000 टन चावल भारत के अंदर उत्पादित होने वाला है 2022 के अंदर। अब दोस्तों, 2021 में हमने 9.6 बिलियन डॉलर का चावल बेचा था जो कि था 2,10,00,000 टन और इस वर्ष यानी 2022 में लगभग 2,20,00,000 टन भारत का चावल के बिकने का अनुमान लगाया गया है। साथ में भारत के चावल का जो प्राइस है वो भी 28 रुपए प्रति किलो है, जबकि दूसरे देशों के चावल का जो प्राइस है वो है 35 रुपए प्रति किलो और यहाँ पर भारत भी अपने चावल का प्राइस बढ़ाएगा दूसरे देशों की तरह। खैर दोस्तों, आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है और जिन देशों ने भारत के खाद्य प्रोडक्टों को रिजेक्ट करके भारत का अपमान किया था, क्या अब हम उन्हें देशों को चावल का एक्सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।